नागद का पैर इतना मजबूत कैसे? राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का ही कमाल था। श्री राम द्वारा अंगद के पिता का वध करने बाद भी अंगद राम की सेना में कैसे? देशकालो भज स्वाद्या क्षममान प्रिया प्रिय सुख दुख हस काले सुग्रीव अवश्यगो भव। रामायण अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः तीन बातें बताई थी। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब कहां और कैसा व्यवहार करें इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमाभाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर हैं, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि ये अंगद, रावण के द्वार जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए, जाओ तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे, वन और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है, तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है? अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना है। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए, वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं? अंगद बोले कि ये रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है?
एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं। हे रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं, तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा। रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो, तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नारायण तक बोले कि भगवन, इसको विचारा जाए, यह दूत है, यह क्या कहता है। अंगद बोले, यदि भगवन राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, मैं दृष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यही दृष्टता है संसार में, किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान दृष्टता है। तुम्हारी यह दृष्टता है कि राजा होकर भी परस्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। तब अंगद ने अपना पैर जमा दिया। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ, यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है, इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि ये रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है, यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। सरल भाषा में अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने आया तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव क्यों पकड़ते हो, पकड़ना है तो मेरे स्वामी राम के चरण पकड़ लो, वह दयालु और शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी।